अनुराग, ये एक्चुअली जब मीडिया ने इसकी रिपोर्टिंग शुरू की थी तो ये महज एक क्राइम रिपोर्टिंग नहीं रह गई थी। धीरे धीरे इस क्राइम रिपोर्टिंग के बजाय उसने इस गुत्थी को इतना जी उलझा दिया था कि इसके इतने सिरे निकल गए थे कि कोई भी जांच एजेंसी जब भी जांच करने आती थी तो एक सिरा पकड़ने की कोशिश करती थी, तब तक वो दूसरा सिरा खुल जाता था। अब आप यदि उस वक्त की रिपोर्टिंग को देखें, उस वक्त के तमाम बयानों को देखें जो कि एक एविडेंस हो सकते हैं, एक 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 तरह से ऑडियो विजुअल एविडेंस हैं वो, और लगातार अधिकारी भी उस चीज़ को देख रहे थे, प्रिंट में भी सब कुछ छप रहा था। यदि आप टेलीविज़न की रिपोर्टिंग को देखें तो एक चैनल के एडिटर ने ये कहा कि दरअसल आरुषि घर में पार्टी मनाना चाहती थी और इसके पिता इस बात पर नाराज थे इसलिए उसकी हत्या कर दी। आप समझ सकते हैं कि किस किस तरह के वो दिए जा रहे थे। इसके अलावा एक और दूसरा चैनल था, उसने यहाँ तक कहा कि जो ये पूरा मामला है वो ऑनर किलिंग का है और आरुषि के एक नहीं कई लोगों से अफेयर चल रहे थे, उसके नौकर से भी उसके अवैध संबंध थे, उसके तमाम अन्य लड़कों से भी अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से पिता बहुत परेशान हो गए थे, उन्होंने शराब पी और उन्होंने जाकर बेटी की हत्या कर दी। जी। उसके अलावा जब आगे हम और बढ़ते हैं तो एक और बेहद सफल पत्रकार जिसको कहा जाए, उनका ये कहना था कि उन्होंने जो नेपाल से कॉन्ट्रैक्ट किलर बुलाए गए और उसके द्वारा आरुषि की हत्या करा दी गई माँ बाप के द्वारा, और उसके बाद फिर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। अगर पूरी घटना यदि आप देखें, और ये कहा गया कि यदि ऐसा नहीं होता तो माँ रोती नहीं, उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरते, बाप रोता नहीं। हमारे पास वो शॉट्स हैं अनुराग अभी भी रिकॉर्ड में कि जब बच्ची के शव को बाहर ले आया गया था, माँ बाप बुरी तरह से बिलख रहे थे। ये मैं समझ सकती हूँ, किसी भी हमने तमाम मनोवैज्ञानिकों से बात की थी और आप भी समझ सकते हैं कि यदि कोई ऐसी अनहोनी घटना किसी के घर में घट जाए, घटनीय घट जाए, तो तुरंत उसका उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये नहीं कहा जा सकता। कोई बिलख के रो भी सकता है, कोई हतप्रभ भी हो सकता है, और शायद ये दोनों माँ बाप की स्थिति ऐसी हो गई थी। लेकिन मीडिया एक एक बात को इस तरह से रखने की कोशिश कर रही थी जिसमें उस वक्त कुछ ऐसी होड़ चल रही थी अनुराग कि अगर एक चैनल पे या एक अखबार में कुछ छपता था, दूसरे अखबार या दूसरे चैनल को ये लगता था कि मैं उससे एक कदम पीछे क्यों रहूं, मैं तीन फैक्ट और उसमें नया लगा दूं और उसको छाप दूं। लेकिन कुल में ऐसा गड़मड़ हुआ कि इसमें जो हकीकत थी, जो सच्चाई थी, वो कहीं ना कहीं दबने लगी। इसके अलावा जो एविडेंस, जो प्रत्यक्ष एविडेंस थे, उसके साथ पूरा खिलवाड़ हुआ और उसके साथ बिल्कुल जिसको कहा जाए कि एक तरह से उसको कहीं से कहीं उठा कर रख दिया गया। पुलिस का जो यहाँ पर कार्य था, मूल सिद्धांत ये था कि खून के निशान यदि मिट्टी पर भी हैं तो उसे भी एकत्रित करके संरक्षित किया जाए। पुलिस ने यहाँ तक नहीं किया कि जो मृतक थे उसके कपड़ों को, उसके खून, उसके कपड़ों को भी संरक्षित करे। मीडिया उसको उठा उठा कर दिखा रही थी, मैंने जैसा बताया कि जो खून से लथपथ गद्दा था उसको भी मीडिया उठा उठा कर घिसट कर यहाँ से वहाँ ले जा रही थी, जहाँ खून था उसके स्पॉट्स, उसमें पैर रख रख के लोग आ रहे थे, जा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि एविडेंस से कितना ज़्यादा छेड़छाड़ हुई थी। और उसके बाद यदि कोई भी एजेंसी आई इसकी जांच करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उसके सिरे इतने उलझे हुए थे कि उसको बिल्कुल, आप जिस तरह से कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि कोई साक्ष्य नहीं मौजूद है, इसकी वजह से उन्हें बरी किया गया है, शायद यही स्थिति तब भी पैदा होती कि साक्ष्य जो है वो पूरी तरह से जिनके चीरफाड़ कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये पूरा मामला इस स्थिति में पहुंचा। और इसमें ये सब कुछ कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल, टीआरपी के खेल को हम इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ में मैम सवाल इस चीज़ को लेकर भी है कि जो तमाम फ्लॉज सामने आ रहे थे या फिर जो क्वेश्चंस खड़े हो रहे थे, उसे त्वरित तौर पर निपटाए क्यों नहीं किया, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यहाँ पर ही पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध हो जाती है अनुराग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके ठीक पहले निठारी हत्याकांड हो चुका था, जिस पर मुलायम सिंह यादव की तब सरकार थी, काफ़ी छिछालेदर मुलायम सिंह यादव की सरकार हुई थी, नई नई सरकार बनी थी मायावती जी की, तब ये कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक फिर दबाव शुरू हो गया था, क्योंकि तलवार दंपत्ति कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे, बेहद नामी डेंटिस्ट हैं वो लोग। और ये भी कहा जाता है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, कि उनके
कुछ प्रतिस्पर्धी भी थे जो चाहते थे कि तलवार दंपति का जो उस वक्त काफ़ी अच्छी डॉक्टरी चल रही थी, काफ़ी उनकी मशहूरियत हो रही थी, वो प्रभावित हो। तो ये कुल मिलाकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपसी द्वेष, ईर्ष्या, व्यावसायिक ईर्ष्या, राजनीतिक दबाव, मीडिया का ट्रायल, ये सब कुछ ऐसा नकारात्मक ढंग से इस पूरे मामले में गड़बड़ हुआ कि जिसकी वजह से आरुषि की जो हत्या हुई, कम से कम चाहे आज जो भी फैसला आया हो, आरुषि को न्याय नहीं मिला है, इसमें कोई शक नहीं, उस बच्ची को न्याय अभी तक नहीं मिला है। अनुराग जी,